आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? और हमारे श्रृंखला हमें नीचे दे रखी है PMT, OOS, NQR, MSQ और हमारा प्रश्न चिन्ह यानी कि हमारा लुप्त पद। तो सबसे पहले हम श्रृंखला को ऐसे लिखते हैं जैसे PMT, दूसरा जो पद है वो हमारा OOS, हमारा जो तीसरा पद है वो है NQR और हमारा जो चौथा पद है वो है MSQ और पांचवा पद हमारा लुप्त है जो हमें ज्ञात करना है। इन्हें अल्फाबेट क्रम में रखने पर, देखो जब इन्हें अल्फाबेट क्रम में रखा जाता है तो P आता है 16 पे, M आता है 13 पे और T आता है 20 पे। इसी तरह O आता है 15 पे और S आता है 19 पे। इसी तरह अगर मैं बात करूँ तो मेरा N जो है, N आता है 14 पे, Q आता है 17 पे और R आता है 18 पे। इसी तरह M आता है 13 पे, S आता है 19 पे और Q आता है 17 पे। मैं इनके पहले पद की अगर मैं बात करूँ तो पहले पद का पहला अल्फ़ाबेट 16, ऐसे ही दूसरे पद का पहला अल्फ़ाबेट 15, ये देखो 16, 15, 14, 13, ये क्रम चल रहा है, ठीक है। और इसके बाद हमारा लुप्त पद का पहला अल्फ़ाबेट आएगा, तो यहाँ लगातार कितने कम कर रहा हूँ मैं, एक कम कर रहा हूँ। तो हमारा जो लुप्त पद है उसका पहला जो अल्फ़ाबेट आएगा वो हमारा क्या होगा, 12। इसी तरह से मैं बात करता हूँ दूसरे अल्फ़ाबेट की, तो ये क्या क्या चल रहे हैं, 13, 15, 17, 19। तो इसी हिसाब से अगर आपने देखें तो हमारा जो दूसरा अल्फ़ाबेट होगा लुप्त पद का वो क्या होगा, 21। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तीसरे की तो तीसरा 20, 19, 18, 17, यहाँ एक कम होता जा रहा है, तो यहाँ 17 के बाद क्या आएगा, 16। तो ये हमारा क्या होगा, लुप्त पद के अल्फ़ाबेट, लुप्त पद के अल्फ़ाबेट क्या हैं, 12, 21 और 16। देखो 12 आता है L पे, 21 पे आता है U और 16 पे आता है P। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, LUP, यानी कि विकल्प नंबर 2 हमारा क्या सही आंसर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।